कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं बीआर गौतम। कोविड की वजह से जहां हर इंसान घबरा रहा है, ऐसे में नगर परिषद या नगर पंचायतों पर और ज्यादा जिम्मेवारियां आ गई है। कुल्लू नगर परिषद की सुपरवाइजर से जब न्यूज प्लस संवाददाता दीपिका मल्होत्रा ने इस विषय को लेकर जानकारी हासिल की तो सुपरवाइजर अनीता ने कहा कि वह घर घर जाकर लोगों को हर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है। सफाई के साथ साथ कोविड को लेकर भी नगर परिषद लोगों को जागरूक कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज प्लस संवाददाता दीपिका मल्होत्रा तथा एमसी सुपरवाइजर अनीता के बीच हुई बातचीत के मुख्य अंश। जैसे कि हम लोग 7 नंबर वार्ड से लेकर 11 नंबर वार्ड तक सफाई का कार्य देखते हैं, डोर टू डोर का कार्य देखते हैं। जैसे हम एरिया में जाके कोई किसी को समस्या आती है, कहीं पे नाली ब्लॉक है, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे पानी में, उसकी भी हम आगे जाके कंप्लेंट करते हैं। इनको भी हम इस समस्या का भी प्रावधान करवा देते हैं। जैसे हमें कोई बोलता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी समस्या होती है, उसको हम सुनते हैं। हम आगे जो अपने जो हमारे ईओ साहब है उनको हम लिखित रूप में देते कि हमारे यहाँ पे ये समस्या चल रही है, तो वो सर हमें भेजते हैं, मौका करते हैं, उस समस्या को हम समाधान कर लेते हैं। और जो हमारे पास इस टाइम टैक्सी स्टैंड के सामने हमारा ऑफिस है, यहाँ हम लंच टाइम में मास्क भी बना रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आपस में दूरियाँ रखें, घर से निकले मास्क लगा के निकले और लोगों से दूरियाँ रखें। और जब आप अपने हाथ धोएं और आपस में दूरियाँ रखें, हमारा यही लोगों से अपील है और हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि बहुत ही बड़ी बीमारी फैली है। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और घर से तभी निकले जब कोई आपको बहुत ही जरूरी काम हो, या हॉस्पिटल जाना हो, या दवाई लेनी हो, या कोई जरूरी सामान लेना हो, इसी दौरान आप घरों से बाहर निकलें। और घरों से बाहर निकलते ही आप फेस कवर जरूर डालें और लोगों से दूरियां बनाए रखें। और इसी ड्यूटी के दौरान हम जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, पहले उनके हाथ हम सैनिटाइजर करवाते हैं और उसके बाद अपने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका थर्मल स्कैनिंग भी करते हैं और ऑक्सीजन भी उनका देखते हैं भी कितना, कोई हमारे कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं है। और उनका हमने रोज़ की रोज़ ये थर्मामीटर भी और ऑक्सीजन लेवल रोज़ की रोज़ उनका चेक किया जा रहा है ताकि हमारे जो कर्मचारी कोरोना की जंग लड़ रहे हैं वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे, क्योंकि इन कर्मचारियों की वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। और ये जो हमारे कर्मचारी हैं जो घरों में पॉजिटिव कूड़ा भी होता है ये भी हमारे कर्मचारी उठाते हैं ताकि हमें अपने कर्मचारियों की बहुत सुरक्षा रखनी पड़ती है। इसीलिए हमने जो हमारे को ईओ साहब है उन्होंने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कराई है, जैसे कि थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन हम अपने कर्मचारियों का देखते हैं, इसलिए हमारे कर्मचारी सुरक्षित हैं। हमने वार्ड वाइज जाके ऐसे 7 नंबर वार्ड से लेके 11 नंबर वार्ड तक हमने गलियां, जो भी जितनी भी गलियां हैं सभी जगह जाके सैनिटाइजर भी कराया है। हम इस जो कोरोना की लड़ाई है इसको जीतेंगे और हम हारेंगे नहीं, इस जंग को हम जीतेंगे। हमारे लोगों से यही अपील है कि बस अपना बचाव खुद करें, अपनी सुरक्षा खुद करें। और इन लोगों से बस यही अपील है कि जैसे कि भाई घरों से निकलते हैं मास्क लगा के निकलें और दूरियां रखें।